हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उपनेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी से कि वो आए और माननीय इस हमारे कार्यक्रम में हमें आकर के आशीर्वचन दें। माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, विजयदशमी के इस अति पावन अवसर पर मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत का अभिनंदन करते हुए। मेरे सामने बैठे सभी लोग जिन्होंने कहीं विद्यार्थी परिषद में, कभी युवा मोर्चा में, कभी संगठन के विभिन्न पदों में जिनके साथ काम किया और जिन्होंने आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और जिस पार्टी के राजस्थान के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा मान्य सदस्य हो, जिन्होंने पंच निष्ठाओं के रूप में इस पार्टी से रिश्ता नाता जोड़ा है, ऐसे श्री सतीश जी पूनिया का आज इस विराट समागम में मैं अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज का दिन सतीश जी आपने बिल्कुल सही चुना, यह विजयदशमी का दिन है और निश्चित तौर पर अन्याय की हार इसी दिन हुई थी, इसी दिन बुराई का विनाश हुआ था और इसी दिन धर्म पर अधर्म की विजय हुई थी। और आज मौजूदा सरकार के समय इसमें जो अन्याय चल रहा है, मैं समझता हूं उस अन्याय के विरुद्ध यह जन संघर्ष का ऐलान करने का इससे बड़ा कोई मौका हो नहीं सकता। आज आपके सामने है किस प्रकार की आज हमारे राजस्थान की स्थिति बनी है। कानून का राज समाप्त हो गया, अखबार का पन्ना पलटते हैं कोई ना कोई लोमहर्षक बात हमारे अखबार के पन्नों में साया दिखते हैं। अभी आपने देखा होगा बालोतरा के अंदर एक बार फिर जिस प्रकार सरदार शहर के अंदर एक नेमी चंद नाम के नायक की कस्टोडियल डेथ हुई थी, इस बार एक बार फिर उसी तरह की पुनरावृत्ति हुई है। थानागाजी में जो घटना हुई उसी घटना के अनुरूप करौली में घटना हो जाती है। बैरोड में बंदूक की नोक पर अपराधी को छुड़ा ले जाते हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार के जंगल राज के सामने आज के दिन विजय दशमी के दिन हमें एक संकल्प के साथ जाएं। और आज सतीश जी आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आज आपके सामने वो लोग बैठे हैं जो आपके संकल्प के साथ चलेंगे। और आज आपको आशीर्वाद देने मंच पर जिस प्रकार की शक्ति है, आज हमारे बीच में ओम जी भाई साहब विराजे हैं जिन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व किया, माननीय गुलाब जी भाई साहब जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सरकार को घुटनों के बल चलाने का काम किया, और जिन सभी सतीश जी की सरपरस्ती में चंद्रशेखर जी के सानिध्य में अर्जुन जी मेघवाल और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी और अशोक जी के सानिध्य में निश्चित तौर पर आज का दिन जब आप पदभार संभाल रहे हैं, हम सब लोग मिलकर उन सपनों को साकार करेंगे। एक बार फिर अविजित भाजपा इस देश के अंदर हो, कांग्रेस रहित भाजपा देश के अंदर हो, विजय दिवस पर, विजयदशमी पर यही संकल्प हमारा होना चाहिए। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं सतीश जी मेरे अंतर मन से, आप आगे बढ़े, ये पूरा परिवार आपके साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राठौड़ साहब। मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, भारत माता की। माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया साहब का आज पदभार ग्रहण करने का दिन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक वी सतीश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम जी माथुर साहब और सभी प्रदेश का नेतृत्व, मैं सबको प्रणाम करता हुआ संक्षिप्त में
एक दो बात कहकर के मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। जैसे राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा कि ये दिन बहुत पवित्र है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत का दिन है, असत्य के विरुद्ध सत्य की जीत का भी आज दिन है। इस पवित्र दिन पर प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने पदभार ग्रहण किया है, मैं इनका बहुत जोरदार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। अभी मंडावा और खींवसर उपचुनाव में एक दिन मेरे साथ थे सतीश पूनिया जी, ये भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते उनका एक शब्द बहुत अच्छा निकला, गुलाब जी ने भी उस शब्द की तारीफ की और राजेंद्र राठौड़ साहब ने भी उस शब्द की तारीफ की। किसी ने पूछा इनसे कि भाई इन उपचुनावों से क्या कोई सरकार बनती है, क्या बिगड़ती है, तो डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने बहुत सटीक जवाब दिया कि सरकार बनेगी या बिगड़ेगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन इस उपचुनाव का रिजल्ट आएगा बचीर दौर उंगोली बोलो तो उठाए। और मैं जब ये शब्द लेकर के बीकानेर गया तो मेरे बीकानेर के साथियों ने कहा कि आप जरा सतीश जी को एक समझाइए, एक इसके साथ और जोड़ दें। बोला बहुत, इन्होंने ट्रांसफर में भी, ये जो सरकार है राजस्थान की, ट्रांसफर में भी चोरी, और चोरी भी ऐसे जो हटा रहे हैं उसके लिए भी पैसा ले रहे हैं, लगा रहे हैं उसके लिए भी पैसा ले रहे हैं, ऐसे मेरे बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने बताया। तो मैंने कहा क्या नारा होना चाहिए, बोला नारा ऐसा होना चाहिए कि मारो बचीरो जोरा सुर लारो छूटे चोरा सुर, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो राष्ट्रीय विचारधारा अपने परवान पर चढ़ रही है। आप और मैं कितने भाग्यशाली हैं कि जिसके लिए हमने जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, जिस गीत को हमने जीवन में कई बार बोला, आज वो धीरे धीरे प्रभु की कृपा से साक्षात आपको और मेरे सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। सतीश जी आप बहुत भाग्यशाली हो, भाग्यशाली इसलिए कि एक छोटा कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, ये करिश्मा है तो उसके काम की क्षमता में है, उसकी ईमानदारी में है, उसके समर्पण में है, उसकी निष्ठा में है और संगठन के प्रति अपनी अटूट आस्था में। आज का ये जो सम्मान हो रहा है इन विचारधाराओं के इन गुणों का हम हो रहा है, और भंवर जी भाई साहब ने आज यहाँ उपस्थित होकर जिन्होंने जनसंघ की स्थापना से लेकर अपने रक्त की एक एक बूंद इस संगठन के लिए जिन्होंने समर्पित की थी, आज भैरव सिंह शेखावत, आज सुंदर सिंह भंडारी, आज हमारी वो सारी टीम, आप सब कार्यकर्ताओं को भी इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद दे रहा है कि जिस विचारधारा को लेकर हमने जनसंघ का दीपक जलाया था आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो गई। अब कार्यकर्ताओं ये बधाई का तो अवसर है ही है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन हम सबके लिए भी चुनौती है, जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त देश नहीं बनेगा आपकी और मेरी यात्रा नहीं रुकेगी। हमारा संघर्ष है उस भ्रष्टाचार से जिसके कारण से हिंदुस्तान को खोखला बना दिया, उसकी अगर परिणति करने का अवसर आज चुनौती के रूप में आपके और मेरे और सतीश जी के सामने खड़ा है, ये विश्राम लेने का समय नहीं है। जब तक गांव की पंचायत से लेकर इस भ्रष्टाचार के राक्षस को नहीं मार देंगे तब तक हम अपने जीवन में कभी चैन से नहीं बैठेंगे, इस बात का संकल्प। आज का अवसर, रावण का दहन हुआ तो केवल एक मूर्ति का दहन नहीं हुआ, एक आकृति का दहन नहीं हुआ, उसके दुर्गुणों का, आज उसके दुर्गुणों का भगवान राम ने संहार किया। आपको और मेरे को हिंदुस्तान की जनता आज उसी दृष्टि से देख रही है कि वास्तव में इस देश के इस दानव का नाश होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब लगता है प्रधानमंत्री जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं वो अकेले ना रहे, हम सब उनके साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करें। इस देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई जो पाट दी है इतनी भारी हो गई है, वो दीनदयाल का सपना साकार करने के लिए तुमको और मुझे आज चुनौती है। आज वास्तव में उस दरिद्र नारायण की हम सेवा कर सके, वास्तव में जिस बात के लिए हमारी पार्टी का जन्म हुआ है उस पार्टी के उस आधार को हम देश और दुनिया के सामने स्थापित कर पाए,
कार्यकर्ता आप सबसे भी मेरी विनम्र प्रार्थना है, कल पंचायत के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, पार्षद बनोगे, सरपंच बनोगे, जिला प्रमुख बनोगे, प्रधान बनोगे, MLA बनोगे, MP बनोगे, जब तक तुम अपने मन में ये पक्की धारणा लेकर के